हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, टुडे वी रीड साइंस बुक। आवर चैप्टर इज व्हाट वी यूज, पानी का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वाटर, वाटर मीन्स वाटर क्या होता है? वाटर मीन्स पानी। ये देखिए पानी है ना, पानी की हमें एक एक बूंद बचानी चाहिए। कभी भी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस उतना इस्तेमाल करें जितना हमें यूज़ करना है। नाउ वी नीड वाटर, हम सबको पानी की बहुत ज़रूरत है ना। तो हम सबको किसकी ज़रूरत है? पानी की बहुत ज़रूरत है। All living things need water for different purposes. जो भी living things है, जितनी भी living things है, मतलब living things मतलब क्या होता है, जितने भी जो जीने वाले लोग, जीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो बढ़ रही है, खा रही है, पी रही है, सांस ले रही है, living things उनको बोलते हैं। तो इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर, जो हम इंसान लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों को भी किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है, फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। और जो जानवर होते हैं उनको भी पानी की बहुत ज़रूरत है। तो हम पानी का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अब आगे देखेंगे। वी नीड वाटर फॉर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, हमें पानी की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, बहुत चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। लेट अस सी दैट वी नीड वाटर फॉर, अब हम आगे देखेंगे हमें पानी की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है? कुकिंग फूड, खाना बनाने में। जब मम्मी घर में खाना बनाती है, खाना बनाते टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें खाना बनाने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाते हैं तो उसमें पानी डलता है, और सब्ज़ियाँ धोने के लिए पानी का यूज़ होता है ना, तो कुकिंग फूड। नाउ क्लीनिंग अवर होम, घर की साफ़ सफाई के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी घर में डेली पोछा लगाती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, डस्टिंग करती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, यू नो ना। नाउ टेकिंग अ बाथ, अब किसकी ज़रूरत पड़ती है? टेकिंग अ बाथ, नहाने के लिए। नहाते हो तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो नहाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटरिंग प्लांट्स, पेड़ पौधों को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए अभी हमें पानी की ज़रूरत होती है, पानी हमारा जीवन है। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू क्लीन themselves, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर्स, उनको भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पानी पीने की ज़रूरत होती है, और क्लीन themselves, और अपने आप को उनको साफ रखने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। आपने देखा ना, जो जानवर होते हैं पानी पीते हैं, और पानी के बहुत बड़े पौंड होते हैं, मतलब तालाब होते हैं, वहाँ जाके पानी में नहाते हैं, जैसे एलिफेंट्स नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। और जिनके घर में जानवर हैं, जैसे काऊ है, पफेलो है, तो वहाँ पर भी वो लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं, तो जानवरों को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है पीने के लिए और साफ़ सफाई के लिए उनकी। वी नीड वाटर टू लीव, और हमको सबको किसकी ज़रूरत है? हम सबको पानी की बहुत ज़रूरत है जीने के लिए, हमें हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। सो डू एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, हैव यू नोटिस्ड हाउ प्लांट्स डाई,
आपने नोटिस किया है जो पेड़ पौधे हैं कैसे मर जाते हैं, वो खुद ही कैसे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, सूख जाते हैं। व्हेन वी डू नॉट वॉटर देम फॉर अ फ्यू डेज, जब हम कुछ दिनों तक उनके उनमें पानी नहीं डालेंगे तो कुछ दिन बाद क्या होंगे, पेड़ पौधे क्या होंगे, मुरझा जाएंगे और डेड हो जाएंगे। तो इसलिए पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हम इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, पानी पी के हम जी रहे हैं तो पानी हमारा जीवन है, ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी पानी जीवन है, तो हमें डेली पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर टू लीव एंड ग्रो टू, पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत है जीने के लिए, और तब फिर वो पेड़ पौधे पानी डालेंगे तभी वो बड़े हो पाते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों को भी हमारी तरह पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी की हमें खाना बनाने की ज़रूरत होती है, नहाने की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, कपड़े धोने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पेड़ पौधों को भी और एनिमल्स को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड, और जो पेड़ पौधे होते हैं पानी से ही अपना भोजन बनाते हैं। विदाउट वाटर प्लांट्स वुड डाई, बिना पानी के पेड़ पौधे मर जाते हैं। नाउ हम अब रीड करेंगे सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं, पानी के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पानी का स्रोत होता है, मतलब कहाँ कहाँ पानी पाया जाता है। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, बहुत जगह पे पानी हमें मिलता है, सच एज अ रेन, कैसे मिलता है, एक रेन के थ्रू, बारिश आती है, बारिश से हमें पानी मिलता है। रिवर, रिवर मीन्स गंगा। लेक, लेक मीन्स नदी। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। वेल, वेल मीन्स कुआं। टू वेल, टू वेल मीन्स घर में खुदाई वगैरह करके ट्वेल बनाए जाते हैं उसमें, मतलब हैड पम्प्स, और हैड पम्प्स, हैड पम्प्स घर में खुदाई करके बनाए जाते हैं तो उनमें, इस जगह पे हमें, और एल्सेक्ट्रा, इस जगह पे हमें पानी मिलता है। कौन कौन सी जगह पे पानी मिलता है हमें, रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, हैडपम्प, इन जगहों पे हमें पानी पाया जाता है। ठीक है, तो हमें पानी को बचाना चाहिए, कभी भी घर में पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल आप घर पे हो ना तो आप बार बार हैंड वॉश कर रहे होंगे, है ना, तो हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश के साथ साथ पानी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी को उतना इस्तेमाल करना है जितना हमें यूज़ करना है, और पानी का वेस्ट नहीं करना है। पानी हम सबका जीवन है, पानी से ही हम जीवित हैं, पानी पिएंगे तो हम मतलब जीते रहेंगे, हमें जीवन मिलेगा, है ना। जैसे पेड़ पौधों के लिए पानी ज़रूरी है ना, तो हम लोगों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको घर में पानी को क्या करना है, बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, खाने में उतना ही पानी डालना है जितना यूज़ होता है, वॉशिंग के लिए उतना ही पानी यूज़ करना है जितना यूज़ करना है, नहाने के टाइम पे भी पानी का वेस्ट नहीं करना है, उतना पानी यूज़ करना है जितने पानी से हम नहा सकते हैं। ओके, तो आप सबको चैप्टर समझ आया है, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको घर में पानी का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ओके बच्चों, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट, ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट हुआ, आप सबको ये चैप्टर रीड करना है और समझना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।